बाबा अपने कमरे में है। मैं मामू से मिल चुका हूं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अनमोल। क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। झूठ बोल रही हो तुम। तुम जब से यहां बैठी हो मुसलसल इसी बारे में तो सोच रही हो, या तुम कोई फैसला करना नहीं चाहती हो? सारे में तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब इतना आसान नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए तो तुमसे कोर्ट मैरिज का कह रहा हूं। अगर अम्मी मान जाती तो कोर्ट मैरिज की जरूरत ही कहां पड़ती है हमें। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं खुद मुख्तार हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सारिम? इससे रिश्तों में मजीद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और फिर नफरतें बढ़ जाएंगी। तो अभी कौन सी मोहब्बतें हैं? अम्मी मामू को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मामू अम्मी की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं है। मोल, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान पुराने रिश्तों में पड़ी दरार को जोड़ना नहीं, बल्कि नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहता हूं, जिसकी तामीर में हमारी मोहब्बत शामिल होगी। अनमोल, मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैंने इतना बड़ा फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अनमोल, मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अब बताओ, तुम उसे कोर्ट मैरिज करोगी या नहीं? प्लीज अनमोल, मेरी बात मान लो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाबा, तुम गए नहीं अभी तक? जी मामू, बस निकल ही रहा था। चलता हूँ।